अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान हैदर मोहसिन अली आपको खुशामदीद कहते हैं। इस उम्मीद के साथ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, दो तीन टॉपिक्स हैं जिस पर ज्यादा डिस्कशन रहेगी। एक तो पीएसएल के ड्राफ्ट्स आज कंप्लीट हो गए और मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ प्लेयर्स को मुख्तलिफ टीमों ने लिया है। कुछ प्लेयर्स रह भी गए। अब जिन पे झंडा चल रहा था कि जी ये पाकिस्तान की टीम में कब आएंगे, ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आएंगे या वर्ल्ड कप में डायरेक्ट जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अहमद शहजाद, वो किसी एक टीम ने भी नहीं लिया। छह टीमें पीएसएल की और 15-15 भी नहीं, स्क्वाड भी मतलब 18-18, 20-20, तो फिर भी किसी टीम ने नहीं लिया। और अब वो शर्म से डूब मरे हैं वो जर्नलिस्ट और वो साफी जो उसका एजेंडा चला रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान की टीम में कब आएगा। भाई पीएसएल की किसी एक टीम में तो तुम उसको डलवा नहीं सके, तो पीएसएल पाकिस्तान की टीम में घुसाने के चक्करों में, तो जिस जिसने भी ट्वीट उसकी चक्कर में किया है, पता नहीं किस लालच में किया है, अब वो इसके जवाब देंगे भाई ही इज नॉट गुड इनफ। इफ ही इज नॉट गुड इनफ टू अट्रैक्ट द टीम्स टू बी द पार्ट ऑफ एनी फ्रेंचाइज सिक्स टीम्स टूर्नामेंट, देन हाउ ही कैन बी इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। और भी लंबी लिस्ट है जो खिलाड़ी रह गए हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, वो डिटेल बताएंगे। तो तमाम टीमों ने अपनी अपनी पिक्स करके काम तमाम कर दिया। अब बस और कोई साहब कोई प्लेयर आएगा ना जाएगा, अब इन्हीं प्लेयर्स ने ही पीएसएल खेलना है। आपको डिटेल बताएंगे तमाम प्लेयर्स ने कौन से जो जो पिक हुए हैं और स्क्वाड क्या है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसा कोई दमखम नजर आ रहा है, कोई टीम बेहतर हुई है या पहले से हल्की हुई है या कैसी हुई है, तो उस पर हम बात करेंगे। बाकी भाई रोहित शर्मा ने बात की है और वीडियो में अपने दिल के हालात सारे बयान करने की कोशिश किया कि वर्ल्ड कप की हार के बाद कैसा था। कुछ दिन तक तो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने, दोस्तों ने, यारों ने, कुछ फैंस ने कोई हल्का हल्का मोटिवेट किया। तो ये बात मैं आपसे अक्सर कई बार कह चुका हूं कि हमें एज अ क्रिकेट फैन इतना दुख होता है जब हमारी टीम हारती है, तो जो प्लेयर्स हैं उनके दुख का अंदाजा शायद आप नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट लेवल का होता है और उनको उससे निकलते हुए टाइम भी ज्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जी पाकिस्तान की टीम हारती है तो तब तो इतनी इस तरह की बातें नहीं की जाती, लेकिन हमारी टीम जहां पे हारती है वो 10 मैच जीत के फाइनल वाला पे तो नहीं ना हारती, वो तो अक्सर ही हार रही होती, कभी कभार जीतती है, लेकिन जो टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा करके गई है और एंड पे हारे उसके शायद थोड़ा ज्यादा दुख होता है कि हमारे वालों को तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल। लेकिन रोहित शर्मा फाइनल में जो हारा है तो उसने, रोहित शर्मा ने क्या क्या बातें कही हैं उसमें भी बात होगी। साथ ही आज रात को यहां की रात और वहां की सुबह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। मतलब अभी ये जो डेट चेंज होगी, जो रात आएगी तो उसमें मैच शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 2:30 बजे, वहां पे 7:30 बजे आई गेस, या 6:30, 7:30। तो जी मोहसिन अली साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। इससे पहले कि हम सारी चीजों पे बात करें, तीन साफियों को पीसीबी ने आज बैन किया और कमाल की बात यह है कि उमर कलसुन ने भी इसको कंडेम किया और कुछ औरों ने भी, और उन तीन में एक जहाज बकरी साहब है, एक ख्वाजा है कादिर ख्वाजा साहब है, और एक बहुत ही सीनियर इमरान सोहेल साहब जो जियो के हैं, बड़े सीनियर सीजन, और बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जाती तौर पे पसंद करता हूँ, सॉफ्ट है और खासे सीनियर आदमी है। समझ में नहीं आया कि ये मतलब हमारे साथ भी हो चुका है ये तो, लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं है, दिस इज अ वेरी बैड थिंग। और ये जो आलिया रशीद क्लेम करती है ये बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, और ये इसको देखना चाहिए था, इसमें थोड़ा शर्म आना चाहिए अपने ही कम्युनिटी में, फिर वापस कल वापस भी आना है, ये 4 दिन की चांदनी और फिर बहुत बड़ी अंधेरी रात है। परफॉर्मिंग इज
professional duties, nobody has this right to ban him or her. आपको तकलीफ है, गलत है, आप इदारे को बताएं, सबूत दे दें कि ये सबूत है. You can't stop. Rizwan, I had beard this entire my life. कभी नेवी वाले, कभी एयरफोर्स वाले, कभी आर्मी वाले, कभी कोई नन्हे खान, कभी कोई फन्ने खान, जिसको बैन कर, और अपने ही लोग हमारे जाके वहां लेटर लिखवाते थे मेरे खिलाफ कि यार इसके बैन, ये नहीं समझते थे कि मोहसिन अली नहीं, उनकी अपनी आवाज बंद होगी. मैं तो नहीं बंद हो सका, लेकिन ये याद रखें कि ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है. कोई वजह, कोई आपको क्या समझ आती है, क्या वजह? सर देखिए, कोई वजह नहीं है. ये सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, ये समझते हैं इनके बाप का ये मुल्क है. आप देखिए, दो आने की शख्सियत नहीं होती इनकी, लेकिन इनके फैसले देखें. मैं जक्का अशरफ या उसके बेटे को कुछ नहीं कहूंगा. मैं तो पूछूंगा जो मीडिया डायरेक्टर है, जो बनती है बड़ी साफत की अलंबरदार चैंपियन, उसने क्या किया इसमें? क्या एहतजाजिया ने साइन कर दिया? क्या वहां देखें आप कादिर ख्वाजा, इमरान सोहेल, मोहसिन अली, सोहेल इमरान, मोहसिन अली बाकरी, रिजवान अदर को रोक दे, आपको सवाल ना करने दे, इससे क्या रिपोर्टिंग रुक जाएगी? क्या खबरें नहीं चलेंगी? क्या आप अंदर नहीं जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे? ये बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, इनमें अकल ही नहीं है क्या आजकल? सारी इसमें अकल नहीं है. जो बैठा है उसका भी ये काम है, जो मीडिया डायरेक्टर है वो मीडिया में से है, जो भी है वो क्लेम तो करती है ना. और ये उमर कलसोन भी कल तक ESPN क्रिक इन्फो में था, तो भाई जान कंडेम ना करें. सामने आए और सीना तान के गए कि जक्का अशरफ गलत है, फिर मजा आता है. या इन जर्नलिस्टों को गलत साबित करें. सही बात है. तो बहरहाल जी, इस तरह आवाज कोई दबती नहीं है किसी की, और वजह भी कोई नहीं है. बाखरी से मेरी कुछ हफ्ता पहले बात हुई थी, वो तो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है अब कवर करने के लिए. चलो उससे पूछूंगा, भाई क्या तूने पंगा किया है कि क्यों तुझे बैन किया है या क्या बैन किया है? अब मैक्सिमम ये ही हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे जी एग्रीडेशन ओके ना करें, तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है? अब हम जाना चाह रहे थे इंडिया, चलो वट एवर द रीजन इज, ICC का मसला इनका आपस में जो भी हुई, नहीं गए तो क्या मतलब? हमने जो बात करनी थी वर्ल्ड कप पे नहीं की, बल्कि आप दोस्तों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, मतलब सबसे ज्यादा आपने देखा हमें, तो आप दोस्तों के प्यार मोहब्बत है, ये इनको समझ में आना चाहिए. और ज्यादा अफसोसनाक बात ये है कि आलिया रशीद, शी इज अ जर्नलिस्ट, शी वाज इन द मीडिया फ्रॉम सो लॉन्ग, तो अब उनके होते हुए इस तरह की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लग रही हैं. तो और कॉल्सन जो लड़का है वो, चलो लोंडे लपाड़ों पे तो हम बात नहीं करते, चलो बच्चे हैं, नहीं, लेकिन ये जो सीनियर लोग हैं इनको तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए. एनीवेज जी, कमिंग टू PSL और फिर रोहित शर्मा और फिर पाकिस्तान का जो मैच है उस पे गुफ्तगू रहे. सर कल बहुत सारे मैच है, कल इंडिया और इंग्लैंड का फर्स्ट लेडीज का वन एंड ओनली टेस्ट मैच भी है DY पाटिल में, कल सेमीफाइनल भी है पाकिस्तान और UAE का U19 एशिया कप, तो बहुत सारी क्रिकेट और हमारा तो है ही है, कल बहुत कुछ है. लेकिन आप पहले PSL पे बात करना चाह रहे हैं. जी जी, पहले PSL पे बात करना चाह रहा हूं. इंट्रो में बड़ी आपने इंट्रो में आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो एजेंडा चला रहे थे वो तो ड्राफ्ट में भी नहीं किसी ने पिक किया है, मैं शहजाद जैसे को. और ये आमिर बड़ा लकी है कि इसे ग्लैडिएटर ने उठा लिया, डेढ़ ओवर का बॉलर है. बात सही है. देखिए, गुरबाज जैसा प्लेयर रिजवान हैदर और मुजीब जैसा प्लेयर अगर ये नहीं सिलेक्ट, मायर्स T20 में आपको पता है बहुत ही हैंडी है. और बाकी अगर आप देखें इंग्लैंड के कई प्लेयर, उसमें एक रीजन तो ये है रिजवान के PSL की फ्रेंचाइजी चाह रही थी कि फुल मिले. अब जारी बात है, इंडिया जाना है इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड के प्लेयर तो टेस्ट सीरीज में कई बिजी होंगे, तो ये तो समझ में आता है. लेकिन गुरबाज और ये जो बहुत सारे प्लेयर है, इनका ना सुफियान मुकीम जैसे टैलेंट्स को ना उठाना, और अली इमरान जैसा प्लेयर जो दो दफा पिक हुआ है लेकिन कोई उसे खिला नहीं पा रहे, ये जो पाकिस्तान में शामिल हुसैन हो गया पिक, भाई साहब शामिल हुसैन तो चले वो सप्लीमेंट्री में, वो नहीं था ना. अब हर कोई तो शामिल हुसैन नहीं हो सकता ना रिजवान, मसला ये है. खैर एनीवेज, बात ये नहीं है, उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी है बच्चे की,
इसमें कोई शक नहीं है। ये बात पता क्या बात यह है, मैं एक बात करने से, वो अदनान सिद्दीकी तकरीबन 60 साल का है, लाइव ब्राउट में जो लैंग्वेज उसने यूज की है, जो लफ्ज उसने यूज किए हैं, और आकिब जावेद ने शर्म से डूब मरे, ये पीसीबी शर्म से डूब मरे जिस चैनल ने उसे लाइव कवर किया, कोई हया कोई बेगैरती कोई मतलब, ये इस्लामी माशरा मैं हैरान हूं कि क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, ये मादर पिदर आजाद मुल्क हो गया, असल मसला ये है, यहाँ कोई आजाद मुल्क हो गया भाईजान, मादर पिदर आजाद, ऐसी लैंग्वेज शर्म से डूब मरे, लाइन जा रहे हैं और वो जो लफ्ज बोल रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से अपना प्राइम मिनिस्टर तो चुन नहीं सकते, तो आजादी किस बात की है, वो तो फिर बाढ़ में जाए फिर रोए करज ले, लोग जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर को तो उसको बना दे, तो यहाँ तो अपनी मर्जी से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, तो आजाद किस मुल्क है। एनीवेज यार आप यहाँ अपनी मर्जी से क्लर्क नहीं लगा सकते, आप प्राइम मिनिस्टर पे चले गए, क्लर्क नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से, बस प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी दूर की चीज है, नाम की आजादी एंजॉय करें बस दुनिया को बताने के लिए। अहमद शहजाद को कोई पिक नहीं किया किसी ने, नहीं किया, पता है कि दो हफ्ते पहले इतना एजेंडा चल रहा था कराची के, मतलब किस किस ने मैसेज, शुएब जट ने मैसेज किए उसके लिए, भट्टी साहब ने किए, और भी कोई दो चार ने किए, इवन आसमा शेराजी जिसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, उसने, वो मुनीब फारूकी ने, फारूक मुनीब या जो भी है पॉलिटिकल शो करता है उसने, और भी कईयों ने, हर मतलब कई लोगों ने लगे हुए धड़ाधड़ दी, ना इंसाफी होगी अहमद शहजाद के साथ, इसको क्यों नहीं कॉन्टेक्ट देते, सेंट्रल कॉन्टेक्ट दे, कई पूछ रहे थे ट्वीट करके, हाँ भाई ये वहाब रियाज हमें बताए कि अभी ये जो पाकिस्तान का की जो स्क्वाड सिलेक्ट होना है T20 मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद, न्यूजीलैंड में 5 मैच हैं, उसमें अहमद शहजाद को डालोगे या डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डालोगे, कौन सी टीम में डालोगे जल्दी से बताओ। तो अब वो सारे बताएं कि भाई आपका अहमद शहजाद को तो 6 टीमों में से किसी एक टीम ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी एक ने भी नहीं लिया उसे, तो आप लोग ये पाकिस्तान पे डाल रहे थे जिना, पाकिस्तान की टीम में डायरेक्ट डाल दें इसको, तो अब आप बताइए कि अगर एक प्लेयर को ये 6 टीमें हैं, 6 फ्रेंचाइजी, उसमें से स्क्वाड भी 15-15 का नहीं होता, स्क्वाड भी उनका ठीक ठाक लेंथ ही होता, तो उसमें भी अगर जगह नहीं बन पा रही तो पाकिस्तान में कैसे है? अब आप अपने गिरिबान में देख झांक के देखें कि एजेंडा कैसे एक्सपोज होता है आजकल के, वो 2000 से पहले की बात थी, अखबार में खबर लग गई, छोटी मोटी लग गई, लोग कहेंगे यार अखबार में खबर आ जाएगी यार, और कोई मीडियम ही नहीं है भाई बात पहुंचाने का, अब तो भाईजान कोई वर्थ नहीं है, अब तो एक एक सेकंड में सारी बात खुल के सामने आ जाती है। तो जी मोहसिन अली साहब, अहमद शहजाद भी नहीं बिके और बाकी भी उमर अकमल और लंबी लिस्ट है, आप बताइए जरा जो अनसोल्ड प्लेयर के। देखिए जी मैं आपको बता देता हूँ, गुरबाज है, मुजीब है, मधुशांक है, मेंडिस है, तिश्काना है, उमर जही है, मायर्स है, उमर अकमल है, उमर अहमद शहजाद है, हैदर अली, द रोहित शर्मा पाकिस्तान, द रोहित शर्मा पाकिस्तान भाई। सबसे जो मुझे का खेज बात हुई है हैदर अली के साथ हुई है, पिछली साल की पीएसएल में सबसे महंगी कैटेगरी में प्लैटिनियम में था, प्लैटिनियम के 1,70,000 डॉलर वाली कैटेगरी है, फ्रॉम देयर टू अनसोल्ड, कराची का बाल देखें, मतलब इतने ये दिमाग से बेवकूफ और पैदल लोग थे इनमें कि उसको प्लैटिनियम कैटेगरी में पिछले साल खरीदा हुआ था और आज उसको किसी टीम ने नहीं लिया और बाहर हो गया, नेशनल T20 भी बेकार ही गया उसका। उमैद आसिफ है वो था ईगल जो बाबा जी है सन 1870 वाले, बैटमैन, सुफियान मुकीम है, अरशद इकबाल को नहीं लिया किसी ने, ये वैसे सुफियान अच्छा था, निशान जमीर है, अच्छा बच्चा है, अंडर 19 का था, अली इमरान इतना जबरदस्त ऑलराउंडर है, 140 पे बॉल करता है, नासिर नवाज इतना अच्छा बैट्समैन है, और अहमद आलम, तो ये तो हो गया ना रिजवान हैदर साहब जो आम है। अगर आप इन सब का देखें तो सबसे अच्छी टीम आपको मुल्तान सुल्तान की लगेगी, कि उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनके पास बैकअप भी अच्छे हैं, इफ्तिखार और खुशदिल शाह की शक्ल में, पेशावर जो है बैटिंग पावर हाउस है आपके पास,
फिर नूर टीम में लेके आऊंगा, टीमों पे भी डिस्कस करेंगे, स्क्रीन पे मैं उसको डालूंगा। तो ये जरा पुलाड को ले लिया प्लैटिनम कैटेगरी में कराची किंग्स ने, आप अंदाजा लगाएं कि क्या क्या ब्रेंड्स है हमारे मुल्क में। पिछली दफा हैदर को लिया था अभी प्लैटिनम में, वो समझते हैं कि जी T10 लीग जीत के आया है, अभी पुलाड कप्तान था तो बस वो हमें भी जितवा देगा अभी PSL भी, तो शायद के ये चक्कर है। कैल मायर्स था उसको भी नहीं लिया, काफी लोगों को बीच में इन्होंने नहीं लिया। तो इंटरनेशनल स्टार्स भी अफगानिस्तान के मुजीब भी रह गया है, वो गुरबाज को भी नहीं लिया। नवीनुल हक को पिक कर लिया है और नूर को पिक कर लिया है, वो अब मौजूद हैं, तो काफी लोग रह गए हैं। लेकिन सबसे मुजिका खेज बात एक तो यह मशहदाद वाली है, जिसने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना शोर, वो स्टॉर्म इन द कप वाली बात थी। तो अब आप देख लें, बाकी हैदर अली, हैदर अली को भी सोचना पड़ेगा कि भाई आगे क्रिकेट खेलनी है तो फिर ये वाले तमाशे नहीं चलेंगे। पिछले लोग आगे की तरफ जाते हैं, इसने ऐसा नोज डाइव लगाया है कि किसी कैटेगरी में भी नहीं, बाहर है भाई। आपका मीडिया का भी कसूर है ना, पेड एजेंट्स बन जाते हैं, खिलाड़ियों की PR एजेंसी खोल लेते हैं, जैसे कुछ वो नदीम उमर के उठा रहे होते हैं, कोई किसके। अब आप मुझे बताएं सरफराज में से क्या निकाल रहा है नदीम उमर, क्या लॉयलिटी है ये। समीर कह रहे हैं सलाम रिजवान मोहसिन भाई, PCB पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी बॉसेस आर सो फनी, एवरी डे दे क्रिएट न्यू ड्रामा, दे आर ट्रूली एंटरटेनिंग, वी इंडियंस आर वेरी बोरिंग। तो बस जी आप फिर बन जाए हमारी तरह देख देख के, अगर आपको बहुत मजे आ रहे हैं हमें देख देख के, आपको लग रहा है आप बोरिंग हो गए हैं, तो थोड़े से फिर आप जरासीम हमारे से ले जाएं तो आप भी इंटरटेनिंग बन जाए थोड़े से। और अब ये पता नहीं आपने किस हवाले से बात की है, लेकिन ये बात सही है कि इंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या ड्राफ्ट की बात करें, किसी भी हवाले से बात करें, तो कुछ नया अपन मिलता ही रहता है, सुनने में आता ही रहता है। तो आप ने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस भी हवाले से आप बात कर रहे हैं तो आप भी हमारे नक्शे कदम पे चल जाइए, आप भी आ जाइए। अच्छा जी, तो जी भाईजान पहले आप कौन सी टीम पे बात करना चाहेंगे, जिस पे आपका दिल है। चलो जी, जो तरतीब सामने आ रही है उसी पे ही शुरू हो जाते हैं जी। पिशावर जलमी, तो जी भाईजान आप थोड़ी सी मुंडी हिला लें ताकि आप स्क्रीन में पूरे आ जाए, दूसरी तरफ हाँ ऐसे ठीक है, थोड़े और ऐसे टिल्टेड, हाँ ये आप सही है, आप सही, बस हिलना नहीं, यहीं से फोटो खींचेगी, ठीक है। तो बाबर आजम, नूर अहमद को, रोमन पावल को इन्होंने जाहिर के लिया है, और छक्कों वाली सरकार भी लिया इन्होंने, हाँ इन्होंने भाई साहब पिक कर लिया है। आसिफ अली को, साइम अयूब इमर्जिंग स्टार है, आप तमाम दोस्तों को पता ही है। कैटमोर अच्छा है, इंग्लिश इंग्लैंड का प्लेयर है, पोटेंशियल अच्छा है इसमें भी, तेज खेलता है। नवीनुल हक अफगानिस्तान से, तो वो जहाज में उसे पूछ रहा था यार क्वेटा बहुत थकी हुई टीम है, कुछ करो इसको भी ऊपर लेके जाने के लिए, तो वो अब क्वेटा छोड़ के पिशावर में आ गए हैं, लेकिन पिशावर में भी मेरे ख्याल में ज्यादा मैचेस खेलेगा क्योंकि बॉलिंग पे उसकी बॉलिंग पे काफी निसार होगा। आमिर जमाल इधर ही था पिशावर में और इधर ही है, मोहम्मद हारिस भी इधर ही है, सलमान इरशाद सलिंगी एक्शन वाला भाई भी इधर है, आरिफ यकूब, उमर अफरीदी और ये डैनियल मौसली भाई, ये फॉरन, ये बहुत जबरदस्त है, ये जो मौसली है ना अभी इसने विटैलिटी ब्लास्ट में तबाही फेरी है, बड़ा जबरदस्त फिनिशर है, और बेसबॉल के जो मौजूद है वो अपना डैरन मैकलम और बेन स्टोक्स, दे स्पीक वेरी हाईली अबाउट दिस यंग लैड मौसली, यस। तो डैनियल मौसली आ गया है, खुर्रम शहजाद, अगर आप पिशावर की टीम को देखे ना आपको एक चीज इसमें इस दफा नजर आएगी, they have worked very very cleverly this time, they have one of the best bowlers of T20 white ball,
मेहरान मुमताज आप उसको अंडर 19 ना देखे, वो बड़ा कमाल का दिमाग है राशिद भाई की ये पिक का। बाबर आजम नूर, नूर इज टू गुड, रिजवान पावल बेहतरीन पावर हिटर है, आसिफ अली डोमेस्टिक का शेर है, बब्बर शेर है, बार हेर फेर है, तू मिलाने की देर है। इसके बाद सैम अयूब वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इन T20, फिर कैंडल मोर अच्छा है, फिर नवीनुल्लाह इज बेस्ट व्हेन इट कम्स टू T20, ही इज सेकंड टू नन, ही हैज वेरी 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 गुड वंस, जो स्लोअर वंस, जो ये वेरिएशन लाता है, जो बॉल में अपनी वैरायटी लाता है, ये बहुत अच्छा है। आमिर जमाल अब देख ले, इतना इसका आप टेस्ट भी खिला रहे हैं, हारिस विकेट कीपर, सलमान निशाद स्लिंगी गाय और उसको दोबारा पिक किया पिशावर ने, ऐसे ही आरिफ याकूब अच्छा बच्चा है, अच्छा उमर अफरीदी का बड़ा नाम है, इनकी बॉलिंग की वजह से, अपनी बॉलिंग की वजह से मार खाते हैं, तो डू यू थिंक देयर बॉलिंग इज ओके? बॉलिंग थोड़ी बस गुजारा ही लग रही है मुझे तो वैसे। नहीं नहीं, बॉलिंग जो है ना रिजवान साहब, मेहरान है, निगीति है, इसके अलावा देखे वो जिशान ले लिया इन्होंने अंडर 19 वाला 6'8", इसके अलावा देखे ये सलमान इरशाद है, आमिर जमाल है, नवीनुल हक है, तो भजन नूर है, मेरा ख्याल है बड़ी तगड़ी बॉलिंग है, बैटिंग भी तगड़ी है, मिडिल ऑर्डर भी इनका पहली दफा मुझे तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वन ऑफ द गुड टीम्स। लुंगी नगीडी, इन्होंने इस दफा 22 बड़ी अच्छी की है, लुंगी नगीडी इज देयर, और बाकी फास्ट बॉलिंग में आप देखो लुंगी नगीडी है और नवीनुल हक सही है, चलो बाकी डोमेस्टिक पे जो इनके परफॉर्मर है उन पे डिपेंडेंट है फास्ट बॉलिंग में, स्पिनर में नूर है, तो लेट्स सी क्या कॉम्बिनेशन बनता है। मेरे ख्याल में मेहरान मुमताज और मोहम्मद जिशान दे गोना बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ मैचेस फ्रॉम देम, तो लेट्स सी कि क्या बनता है सिलसिला। प्लैटिनियम कैटेगरी जो सबसे महंगी होती है दोस्तों, आपको बताया $1,70,000 वाली जो है, तो उसमें इन्होंने अफगानिस्तान के नूर अहमद को पिक किया है, नूर अहमद को, और फिर रोमन पावल वो वेस्ट इंडीज वाले भाई वो भी हैं इसमें शामिल, और उसके साथ साथ कैप्टन खुद मौजूद है बाबर आजम, तो बाबर आजम ये तीन खिलाड़ी प्लेटिनियम कैटेगरी में है, फिर डायमंड में आसिफ अली है, साइम अयूब है और कैड मोर, ये तीन डायमंड, उससे नीचे वाली कैटेगरी है, फिर उससे नीचे वाली गोल्ड है, नवीनुल हक, आमिर जमाल और मोहम्मद हारिस, सिल्वर में सलमान इरशाद, याकूब, उमर अफरीदी, मौजली, खुरम शहजाद, जो अभी टेस्ट मैच का कल डेब्यू, आज बल्कि अभी तारीख चेंज हो जाएगी और थोड़े दो घंटे बाद तो डेब्यू भी करेगा, कल जो मैच है उसमें टेस्ट मैच में वो वाला बॉलर आई, ठीक है। मोहम्मद जिशान मौसम ने आपको बता दिया, हसीबुल्ला खान विकेट कीपर बैट्समैन, लुंगी नगीडी आप जानते हैं, मेहरान मुमताज अच्छा डोमेस्टिक का बच्चा, तो ठीक है पहले हम तमाम टीमें बता देते हैं फिर आपको बता देंगे जी हमें कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी और अच्छी लगी है। हाँ जी भाई जान, आप पिशावर से फिर इस्लामाबाद आ जाते हैं, इस्लामाबाद साथ इस्लामाबाद आ जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जी, जॉर्डन कॉक्स को पिक किया इन्होंने, अच्छा इज गुड और प्लेटिनियम कैटेगरी में खैर और भी ऑप्शन अच्छे थे लेकिन इन्होंने अपना हिसाब किताब देखा है, तो वैसे आजम खान अच्छा इनके पास मौजूद है ऑलरेडी, एनीवेज जॉर्डन कॉक्स, नसीम शाह और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी सबसे महंगी कैटेगरी में, भाईजान आप फोटो से बाहर हो गए, डायमंड कैटेगरी मैं तो ये देख रहा हूँ आपका सारा जी, टाइमल मिल्स जो है इसको पहले आईपीएल में भी ये एक दफा 10-11 करोड़ का पिका था, स्लो डिलीवरियां बहुत मारता है, कभी कभी पकड़ा जाता है, मार काफी खा जाता है, लेकिन इन्होंने पिक कर लिया डायमंड कैटेगरी में, आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन, इमाद वसीम इज देयर प्लेटिनियम कैटेगरी से डायमंड में आ गए हैं, ये वैसे भी कराची से इधर आ गया है, उनका कप्तान था, गोल्ड में फहीम अशरफ,
एलेक्स हेल्स कॉलिन मनरो तो बैटिंग इनकी हमेशा ही पावर हाउस हुआ करती है, बॉलिंग में ये आधे तितर आधे बटेर खिलाते रहते हैं और पिटते रहते हैं। सिल्वर में जनाब मैथ्यू फोर्ड, ये कौन है भाई? आपने नाम सुना है, मुझे तो नहीं पता कौन है ये। ठीक है, ये अच्छा है, इसकी आजकल बड़ी बड़ी तारीफ चल रही है। अच्छा ठीक, सलमान अली आगा साहब आपके महबूब और फेवरेट प्लेयर क्रिकेट के बहुत आगे हैं। कासिम अकरम अच्छा है भाई, आई लाइक दिस गाय। शादाब खान ये कैप्टन नहीं है, कैप्टन शादाब खान के अलावा। नुमान रईस, रुमान रईस को अब यार जिसका देखें अब पाकिस्तान की तरफ से वो आई डोंट थिंक ही वुड प्ले, सो प्रॉब्ली आई डोंट नो दैट ही शुड बी देयर नॉट। चलो हुनैन शाह और उबैद शाह दोनों भाइयों को साथ में नसीम शाह के, तीनों भाई अब तीनों भाई इस्लामाबाद में, तीनों भाइयों को इन्होंने कहीं जाने नहीं दिया। नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह जो कि आप अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप एशिया कप में भी आप देख रहे हैं उसको, उबैद शाह। तो उबैद शाह और हुनैन शाह दोनों को साथ में नसीम शाह भाई साहब के साथ जोड़ दिया इन्होंने और तीनों भाई अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में खेलेंगे। तो शाह ब्रदर्स, फिर शामिल हुसैन अभी अंडर 19 टीम में पाकिस्तान की ओपनिंग कर रहा है, आपने देखा है कल ही बहुत अच्छा खेला, कल अच्छा बहुत खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ, द वे ही वाज प्लेइंग ही शुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। एनीवेज टॉम करन, सैम करन का बड़ा भाई टॉम करन इंग्लैंड की तरफ से जा रहा, खेला हुआ, मार काफी खाता है बीच बीच में लेकिन बैटिंग भी ठीक कर लेता, ओवरऑल ठीक है, अच्छी कैटेगरी में ऑलराउंडर। हाँ जी भाईजान, कैसी है टीम इस्लामाबाद? ठीक है रिजवान साहब, नॉट बैड, बट दे डोंट हैव बैकअप स्पिनर्स, सिर्फ इमाद और शदाब है, ये देख लें। तो ऑलराउंडर बहुत ज्यादा इन्होंने घुसाए हैं, बैकअप स्पिनर नहीं है इनके पास। और रिजवान साहब बगैर स्पिनर मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इन मैचों में पाकिस्तान की अगर आप पिचेस देखें तो स्पिनर जो है दे आर वेरी वेरी क्रूशल। इमाद वसीम, मुडिया, यू नेवर नो, टाइटल जिताया हुआ कराची को जो इकलौता है, कहीं वो ये ना कहे ओए मैं कप्तान था कराची को, ईगो के क्लैश ना हो जाए, मुझे ये डर है। बाकी ये डायल मिल्स वेल पास हिज पीक, बहुत कुट खाता है। मुनरो बस ठीक है, फहीम अशरफ यू कैन से बेहतर है। ये मैथ्यू फोर्ड जो है वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर है, इसका कहते हैं ठीक है, मैंने अभी इसको इतना देखा नहीं है, पर कहते हैं आगा सलमान, कासिम अकरम अभी अंडर 19 से आया है, देखते हैं। रुमान रईस वेल पास हिज पीक, और ये जो आप शदाब खान है, शाहब खान, ये लेफ्ट आर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी नेशनल T20 खेला, पेसर है। तो देखे इनके पास बॉलिंग में अब ये देखना नसीम शाह कब तक क्लियर होता है। हुनैन शाह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पेस है, और उबैद को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन रिजवान अंडर 19 से बड़ी बिग बॉयज के आगे जब आप आते हैं, और लीग जो होती है लीग में तो आपकी धोतियां खुल जाती हैं भाईजान। तो देखो कुछ खिलाड़ी इनके चलो T20 के अच्छे हैं, लेकिन अब वो जैसे कि डेविड बैडली रिलायड ऑन नसीम शाह, बैडली है नसीम शाह की बॉलिंग पे ये पूरा घूमेंगे ऐसा ही। एलेक्स हेल्स, मुनरो, रोमान रईस, टाइल मिल्स, सो आई डोंट थिंक दे वुड बी रिप्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एवर अगेन। तो ये चार पांच इनके बड़े खिलाड़ी हैं, तो खैर इन्होंने अपना लीग का देखना है, अगर लीग में वो अच्छा कर सकते हैं तो ठीक है। बॉलिंग इनकी बस नसीम शाह पे बहुत डिपेंडेंट करेगी, स्पिनर शदाब को तो खुद उस ये इसलिए स्पिनर्स नहीं रखते बीच में, वो है भी इंजरी प्रोन है शदाब खुद भी, और ये खिलाते भी नहीं है ना, बेंच पे बिठाई रखते हैं, तो बेहतर ही है इन्होंने कोई और पिक नहीं किया, अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, कोई और अच्छा स्पिनर आएगा आउट कर देगा,
लोग कहेंगे देखो ऐसे बॉलिंग करते हैं तो खुद ही लगे रहते हैं। चलो ठीक है, अब शादाब और इमाद ने स्पिन डिपार्टमेंट का ठेका उठाया है, सो लेट्स सी। हाँ जी, फिर जनाब हम पिशावर के बाद आता है इस्लामाबाद और फिर आता है लाहौर, लाहौर पे चलते हैं। आ जाइए कलंदर ना, बंदा इनसे पूछे तुमने फखर को रिलीज किया और फिर उससे प्लेटिनियम में उठा लिया, ड्रामा क्या था ये? ये चंगड़ है, चंगड़ ये अजीब की अजीब सी हरकतें करते हैं, ये ही चंगड़ है वाकई, सच फरमाया आपने। अच्छा जी, लाहौर कलंदर्स की जो टीम है प्लेटिनियम कैटेगरी में, फखर जमान, रसी वैन डूसन, शाहीन अफरीदी, कप्तान है, आप तो वो टेस्ट में भी वाइस कप्तान बन गया। डूसन गुड पिक है, ठीक पिक है, लेकिन प्लैटिनियम इसका मतलब है कि डूसन तो फखर महसूस करेगा मैं प्लैटिनियम में हूँ। अच्छा, ये मैसेज ये भेजा हुआ जनाब ने, समीर साहब ने, और ये कह रहे हैं कि चलो हम एक सेकंड, नवाज शरीफ इज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, Zardari accused of new charges. I told you who's your next prime minister in March, sitting in US. Are you impressed or surprised? नहीं तो अभी कौन सा बन गया है? अभी पहली बात तो ये है कि मिस्टर समीर खान, ये आपके लिए कोई सरप्राइज होगा या आपके लिए ये खबर होगी? एटलीस्ट मेरे लिए ये कोई खबर नहीं थी। हम यही होते हैं और यूट्यूबरिया ही नहीं है कि हमें पता ही ना हो इसकी खबर पकड़े उसकी खबर पकड़े। ये पाकिस्तान का अलमिया, 70 साल में ये हमने बहुत दफा ड्रामे देखे हैं। अच्छा जी, अभी फिलहाल तो पहले तो बन जाए फिर हम बोल देंगे वाह वाह आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला है। अभी तो जो वहां पे लोकल हलकों में बात चल रही है कि ये शायद कुछ और ही प्लानिंग ना कर रहे हैं। अभी भी डरा हुआ नवाज शरीफ, अभी भी डरा हुआ कि पता नहीं इमरान खान कहीं अंदर बैठ के ना जीत जाए। तो ये इट इज अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान की अब एक हिस्ट्री में कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका, लेकिन जब आर्मी वाला कोई कब्जा करता है आर्मी वाला जो डिक्टेटर बनता है तो वो 10 साल 12 साल वो अपने पूरे करके जाता है किसी ना किसी कैपेसिटी में। तो बस अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, लोग अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन सकते, तो जो मतलब ला के ये बता देंगे। अब इमरान खान ने प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम थोड़ा चैलेंज चुलेंज किया तो अब वो जेल में, तो अब जो इनकी मर्जी होगी, एक परसेप्शन ये है कि जो आर्मी जिसको चाहेगी लाएगी बुलाएगी वो बन जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। तो बात ठीक है, वो इमरान खान क्या कहता था 150 केस हो गए हैं, 200 केस हो गए हैं, तो रोज ही 2-2 केस डाल देते थे। सिस्टम इनके घर की लौंडी है, जो जिसको बोलते हैं वैसे ही हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप ने बता दिया तो कोई बहुत कमाल नहीं कर दिया, आधे पाकिस्तान को पता है कि क्या होने जा रहा है और कौन कर रहा है और क्या कर रहा है, और पूरी दुनिया को ही पता है, पाकिस्तान में शायद आदमों को पता हो, दुनिया में सबको पता है कि ये हो रहा है। मोहसिन कहरा, रिजवान भाई एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थी मिरांडा, जिसका इंटरव्यू किया था, जिसे मोहसिन भाई भी पसंद करते थे। उसका इंटरव्यू करें जी, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से रिलेटेड, लव यू। अगर आपके पास नंबर है तो उससे बात कर लें। हाँ, मशवरा तो अच्छा दिया है आपने, लेकिन इजंट इट अ बिट टू लेट, अभी तो मैच शुरू हो जाएगा कल, तो भाई जब कल मैच के बाद कर लेना ना, पहली पहले दिन के बाद। तो चलो कोई हिसाब किताब लगाते हैं, कुछ करते हैं। आपको मेघल में हमसे ज्यादा आपको याद आ रही है। असी तो पुल पुला भी गए था पर आपने याद करा दिया, तो चलो कोई हिसाब किताब लगाते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ पहुंचे थे? हाँ, लाहौर पहुंचे थे। आप लाहौर में सप्लीमेंट्री में पहुंचे थे, प्लैटिनियम में। हाँ, तो ये चस्के लेते हैं भाई, वो उसको रिलीज किया फिर ले लिया दोबारा फखर जमान को, डूसन को, शाहीन, ये प्लैटिनम सबसे टॉप कैटेगरी में, सेकंड टॉप में। अब ये पता नहीं इनका क्या चक्कर है, एक सेकंड मैं इस पे अभी बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। साहब ज्यादा फरहान,
हारिस रऊफ, डेविड विजे, डायमंड में, गोल्ड में सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, राशिद खान सिल्वर में। ये पता नहीं कोई, ये भी इधर भी वही काम चल रहा है कि वो नहीं खेल रहा ना, वो सिर्फ इन्होंने उठाया, वो अभी नहीं है, वो इंजर्ड है, अभी ऑपरेट करवाया उसने, खेलेगा ही नहीं वो, नहीं। बहरहाल जी, मिर्जा ताहिर बेग, जिसको ये आकिब जावेद बाबर आजम से बड़ा प्लेयर कहता है। अच्छा चलो ठीक है, मुबारक हो इनको फिर। और शाय होप, कामरान गुलाम, तो ये सप्लीमेंट्री में है, ये खेल सकते हैं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि सप्लीमेंट्री में है तो फलाना, जब चाहे खिला सकते हैं इनको। और इमर्जिंग में जहांदाद खान और फरीदुद्दीन है, सराजुद्दीन दौला साहब, फरीदुद्दीन दौला साहब है ये तो फरीदुद्दीन दौला साहब और सैयद फरीदुद्दीन महमूद साहब है। शाय होप काम, शाय होप बड़ा अच्छा टी ट्वेंटी का भी बन गया भाई प्लेयर, बड़े रात भी बड़े छक्के छक्के लगाए हैं इसने, और मायर्स ने तो छत पे छक्के फेंके हैं, रिजवान साहब वेस्ट इंडीज ने तो धुआं निकाल दिया रात को इंग्लैंड का। लेकिन मायर्स को किसी ने लिया नहीं यार, खरीदा नहीं किसी ने आज, ये बड़ी भाई, ये बड़ी अजीब बात है कि मायर्स और गुरबाज वगैरह और मुजीब नहीं बिके। मायर्स हल्की फुल्की बॉलिंग भी कर लेता है, ठीक बॉलिंग कर लेते हैं चार ओवरों में तो यार विकेट लेता है। लाहौर की टीम रिजवान साहब अच्छी लग रही है। हाँ जी, सिकंदर बहुत कमाल का प्लेयर है, जमान, अफरीदी, हारिस, वीजे, इनके पास बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है। ये मिडिल ऑर्डर बैटर है हफीज भट्टी जो है, और इमरान जूनियर बॉलर है, और राशिद तो नहीं होगा, लेकिन ये अपनी फास्ट बॉलिंग पे, ये कहते हैं ना राशिद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें पता लगेगा फर्क पड़ेगा कि नहीं। नहीं नहीं फर्क तो पड़ेगा और ठीक ठाक। राशिद मैच विनर है भाई टी ट्वेंटी में, ऐसा ही है भाई, राशिद खान से बहुत फर्क पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, मैच विनर है, ठीक ठाक फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज मायर्स जी अनसोल्ड गया है, और मोहित सिंह कह रहे हैं मुझे तो मिरांडा डेली याद आती है, रिजवान भाई आई लाइक हर। चलो तो फिर कुछ करते हैं यार, आपके लिए बात करते हैं, कल उसे कहते हैं इनके लिए इंटरव्यू दे दे फॉर द सेक ऑफ मिस्टर मोहित सिंह साहब। मोहित सिंह साहब आप मिरांडा पे उम्मीद है बाहर रख भाई, एक बात बता देता हूं, उन्हें चुकने वास्ते दो बंदे चाहिए होने, आगे ताड़ी मर्जी हैगी, तो व्हाई द हेल ही विल चुकिंग हर, तो भाई जी देखी उन्हें देख के की उदी मूर्ति आरती लाएगा उन्हें, की करेगा उन्हें, अगर उन्हें आंजे दी सुटनी ना चपेट कि दो कला बाजियां लग जाएं जिन्नी उन्हें, नहीं भाई जी ना अपने पंजाबी प्रावन पसंद कर दी है। वी विल ट्राई मोहित सिंह साहब। Anyways, next go to the next team. हाँ जी। तो कौन पसंद आया आपको लाहौर के साथ, तो फिर मुल्तान आता है। हाँ मुल्तान पे जा रहे हैं हम, एक सेकंड, कितनी टीमें हो गई हैं भाई, तीन हो गई हैं। हाँ तीन टीमें हो गई हैं, मुल्तान, कराची और क्वेटा रह गई है। अच्छा जी जाते हैं फिर अभी मुल्तान पे, डिफेंडिंग चैंपियन है लाहौर, ठीक ही है, लेकिन ये आकिब जावेद वगैरह ये बहुत चवले मारते हैं, तो बहुत मेरा मेरी ख्वाहिश है कि अभी कोई और जीते इस दफा, नहीं है इस दफा नहीं जीतते, आप लिख के ले ले। मोहम्मद रिजवान, डेविड विली, इफ्तिखार अहमद, ये भाई साहब इनकी जो ये मुल्तान सुल्तान के प्लेटिनियम कैटेगरी में आज डेविड विली को भी पिक किया इन्होंने, चाकू भी है ये भी है और रिजवान कप्तान भी है, डेविड विली इज वेरी एक्साइटेड। फिर डेविड मलान, खुशदिल शाह, उसामा मीर, डायमंड कैटेगरी,
गोल्ड में रिजा हैंड्रिक्स को पिक कर लिया जी, अभी खेल बहुत कमाल की पिक है, वेरी गुड पिक, वेरी गुड पिक। रिजा हैंड्रिक्स अभी खेल रहा है, अभी मैच भी आपने देखा। फिर रिस टॉपले जिसको मैंने प्लंकट कह दिया था गलती से, वो चले उसने केड़ा सुन लिया था, आपने कह दिया था तो नहीं सुन ही लिया था उसने, उसके मुंह पे ही कहा था। कोई नहीं यार, आपने वो डिक वैला को तो सिनेमा तो नहीं बनाया था ना कम से कम। तो रिस टॉपली के बाद अब्बास अफरीदी तो ठीक है जी, ये इनके अभी तक नौ के नौ बड़े कमाल के जो आपने नाम लिए हैं ना, प्लैटिनियम, डायमंड और गोल्ड, बेहतरीन। सिल्वर कैटेगरी में तैयब ताहिर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद अली, मोहम्मद बाथरूम वाला, बाथरूम वाला ये अच्छा बॉलर है मोहम्मद अली, वैसे एक्सपीरियंस बॉलर। उस्मान खान वो जो सो किया था पिछली दफा, वही वही वही। एहसान उल्ला टॉल गाय, यासिर खान, यासिर खान वो जिसको खिला नहीं रहा था पिंडी, हाँ, फैसल अकरम, चाइनामैन, क्रिस जॉर्डन, कराची से गया, मार खाने वाली माई, क्रिस जॉर्डन, चाइना कह रहा हूँ कराची से गया, अफताब इब्राहिम। तो ओवरऑल इनकी टीम मुझे अच्छी लग रही है, अंडर 19 वाला ये अफताब इब्राहिम, हाँ जी, मुझे इनकी टीम अच्छी लग रही है ओवरऑल, बहुत अच्छी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस टीम्स, बैलेंस स्क्वाड, नो शरारती, नो सुपरस्टार, नो ड्रामा बाज, ऑल आर गुड। देखिए खुशदील शाह, इफ्तिखार चाचू, इनको आप नेशनल टूर्नामेंट्स में कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, और उसकी तो वैसे भी 35-36 बालों में 100 है, आपको पता ही है अपना खुशदील शाह का। हाँ जी, तो ही इज गुड ओवरऑल, इनकी टीम की कॉम्बिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन लग रहा है, और बॉलिंग में भी देखिए अच्छे अच्छे नाम है, डेविड विली, रिस टॉपली, अब्बास अफरीदी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है उसने, फिर धानी, एहसान उल्ला, और ये अकरम बच्चा जो फैसल अकरम है, कराची से लेके आए, ये चाइनामैन, ही इज गुड। और बाकी देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंसेज आएंगी, ओवरऑल इनकी टीम की कॉम्बिनेशन इनका अच्छा लग रहा है, रिजवान, इफ्तिखार, खुशदिल और हैंड्रिक्स, ऊपर से ये रिजवान के साथ ओपनिंग करेगा हैंड्रिक, आज उसने बोला है जिस जब पिक किया कि जी हमें जोड़ीदार चाहिए था रिजवान के लिए ओपनिंग के लिए, तो हमने हैंड्रिक्स को पिक किया है। तो तैयब ताहिर मिडल ऑर्डर में, ही कैन बी अ वेरी वेरी हैंडी बैट्समैन, सो दे हैव अ वेरी डिसेंट स्क्वाड ओवरऑल, I'll kind of like them। और अब आ जाते हैं जनाब कराची पे, कराची कहाँ गया भाई, कराची, हाँ ये है जी कराची, कराची जनाब आ गए जी, शानू द किंग। हाँ जी, कैसी जी, आप ही बताइए टीम पढ़ के कैसी लग रही है आपको। प्लैटिनियम में जी पोलार्ड है, वेल पास इज पीक, डैनियल सैम कुट खाने वाली सरकार, नवाज बड़ा खुशकिस्मत है कि प्लैटिनियम में इसको उठा लिया, बड़ा खुशकिस्मत है, यकीन करें, वसीम अकरम के हाथ पांव चूमे दो तीन दफा, डायमंड में सैफर्ट न्यूजीलैंड वाला, जेम्स विल्स अच्छा है इंग्लैंड वाला, हसन अली अब वो तो आपको पता ही है वो वाला गोल्ड में शान मसूद, शोएब मलिक, शमसी, ये अच्छे हैं, सिल्वर अखलाक विकेट कीपर, मीर हमजा बॉलर, मीडियम पेसर आमिर खान, अनवर अली ओवर द इयर्स, अरफान मिनास वेरी गुड वेरी गुड, इरफान नियाजी और सिराजुद्दीन है मर्जिंग में, सात बेग और जेम्स ओवरटन है सप्लीमेंट्री में, तो रिजवान कराची की टीम जो है माजरत के साथ, स्पिनर अच्छे लग रहे हैं, बैटर्स बस माजरत ही है, और पेस तो कराची में दे विल बैडली स्ट्रगल, हसन अली के पास कोई पेस नहीं,
मीर हमजा के पास पेश कोई नहीं है, अनवर अली के पास पेश कोई नहीं है, शमसी शोएब मलक पोलार्ड थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो डैनियल सैंस आपको पता ही है, नवाज आपको पता है कितना अच्छा स्पिनर है। तो भाईजान ये कंटेनमेंट में आप नहीं जीत सकते T20 में। अगर T20 में जीतना है तो यू नीड टू बी एट योर टोस, वेरी वेरी बेस्ट फास्ट बॉलर के पास है ही कोई नहीं, दे हैव नॉट अ सिंगल जेन्युइन पेस बॉलर। वो है ना डैनियल सैंस यार, वो जेन्युइन पेस बॉलर है। हाँ मतलब वो ठीक है, 140 की स्पीड तो निकालता है वो भाईजान, माजरत ही है फिर वो अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर है तो। हमने देखा है उसे वहां IPL में किस तरह इसको धोते हैं और गाना गाते हैं, शराब चीज ना छोड़ जाए, ये डैनियल सैम जैसी है ना तोड़ी जाए। तो डैनियल सैम माड़ी टीम है, माठी टीम है, माजरत के साथ, शानुदा किंग, शानुदा पिंग, शानुदा डिंग डिंग, लेकिन टीम बहुत एवरेज सी टीम है इनकी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये है जनाब कराची की टीम, और आप देख लें सारी कैटेगरीज का आपको बता दिया है, डायमंड प्लेटिनियम गोल्ड में कौन कौन गया है। तो नवाज प्लेटिनियम में चला गया, वाह, बता तो रहा हूं आपको, बड़ा लकी है। वही ना मीर हमजा, इखलाक विकेट कीपर। तो बट ठीक सी है इनकी टीम, गुजारे वाली, गुजारे वाली। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कोयटा। लास्ट नॉट द लीस्ट, प्लैटिनियम में है रेन रूसो, शर्फू भाई, शर्फू भाई की टीम आ गई, शर्फू भाई की, शर्फू भाई जी, भाई बोले भाई, प्लैटिनियम में है रेन रूसो साउथ अफ्रीकन, रदरफोर्ड वेस्ट इंडियन, आमिर द किंग द फिक्सर, डायमंड में है जैसन रॉय, हसारंगा वसीम जूनियर, वेरी 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 गुड, द बेस्ट डायमंड कैटेगरी, यू हैव टू एडमिट दैट। गोल्ड में द सर्फू भाई, सर्फ एक्सेल भाई, वन एंड ओनली, ये सारी हरकतें करेंगे, हसनैन और इब्रार अहमद, सिल्वर में विल स्मिड, साउथ स्टील ये केपी का सज्जाद अली, मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता है उस्मान कादिर, और उमर बिन यूसुफ जो अभी इमर्जिंग एशिया कप भी खेला, इमर्जिंग में आदिल नाज है, के सीसीए का ओपनर है, ख्वाजा नाफे है, अकील हुसैन और सुहेल खान सप्ली मेंट्री में, रिजवान साहब ये अच्छी टीम लग रही है, अगर सरफराज कप्तानी ठीक कर गया और ड्रामेबाजी ना की तो दिस टाइम राउंड दे हैव अ वेरी वेरी गुड टीम। रोसो, रदरवुड, आमिर चार ओवरों में ठीक है, जैसन रॉय तबाही, असरंगा तबाही, वन ऑफ द वेरी बेस्ट, मैं ये समझता हूं T20 में हसारंगा जैसा, देखें वो राशिद खान से भी ज्यादा यूटिलिटी है। आप कहेंगे क्या कह रहा हूं भाई जान, राशिद खान बॉलिंग में शायद हसारंगा से अच्छा है, लीग में, इंटरनेशनल में नहीं मैं मानूंगा, बड़ी टीमों में हसारंगा देख लें क्या करता है, लेकिन हसारंगा की जो बैटिंग है वो इसको बहुत एज देती है रिजवान हैदर साहब। फिर वसीम जूनियर, मैं समझता हूं एट प्रेजेंट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इन T20, ये बेस्ट है, इसकी बॉल रिवर्स स्विंग भी होती है, ये छक्के छक्के भी लगाता है। फिर रिजवान साहब, हसनैन इज नॉट अ बैड ऑप्शन, और इब्रार अहमद इज टू गुड, हम तो इस्लामाबाद वाले तो माजरत से शदाब को फुत फुत करती थी, वरना इसे खेलना चाहिए था, ऐसे ही है जी। उस्मान कादिर ठीक है, लेकिन कोयटा की टीम बहुत ठीक है। हाँ दोस्तों, कोयटा की टीम मुझे बहुत बैलेंस नजर आई है, बहुत बेहतरीन और शानदार नजर आई है, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स, पावर हिटर्स, हर एतबार से बड़ी अच्छी है, लेकिन इनकी टीम अक्सर ऑन पेपर अच्छी ही होती है। अब ये सरफू भाई पता नहीं क्या करते हैं कि सर्फ एक्सेल से धो देते हैं सबको, ये क्या करते हैं।
तो रिजल्ट इनका अच्छा नहीं आता। अब इससे अच्छी बैलेंस साइड और क्या हो सकती है, आप खुद देखें। हर तरह के इसमें आपको प्लेयर्स मिलेंगे, क्वालिटी स्पिनर्स, अच्छे फास्ट बॉलर्स, पावर हिटर्स, अकील हुसैन जैसा प्लेयर भी यार रिजवान, बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर और अच्छे लॉन्ग हिटें भी मारता है, लॉन्ग हिट हार्ड मतलब लॉन्ग हैंडल यूज करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इमर्जिंग स्टार्स, ये नाफे बच्चा भी बड़ा अच्छा खेलता है, अकील हुसैन, सुहेल खान पुराना चावल उसको भी रख लिया इन्होंने, चलो ठीक है, अभी उसका नेशनल T20 अच्छा गया था। विल स्मिथ, उमर बिन यूसुफ, उस्मान कादिर, और शर्जील खान को जो लाना चाह रहे थे बेटे वो भी अनसोल्ड गया, क्रिंग्स ने उसे रिलीज किया, अनसोल्ड गया। हाँ, किंग भी, वो शर्जील भी गया, वो भी नहीं है। तो टीम तो क्वेटा की काफी अच्छी और बैलेंस है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि मैचों में अवेलेबल होगा इनको शुरू के, और चलो पांच भी खेल गए तो अपना काम वो कर जाएगा, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो पिछले काफी सीजन से बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। सो दे रियली नीड टू डू वेल इन द फील्ड। ऑन पेपर इनकी ठीक है, मुझे अच्छा लगा इनका स्क्वाड देख के। सो लेट्स सी। तो जी दोस्तों, तमाम हमने स्क्वाड पर डिस्कशन कर ली है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा वाला ज्यादा बेहतर लगा। अब ये ना शुरू हो जाना बीच में जी, IPL में ये होता है तो ये होता है वो होता है, IPL इज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो अब उसका हमारा मुकाबला तो नहीं है। हमारा जितना बजट है, जो हिसाब किताब है, जो प्लेयर्स हैं, उसके हिसाब से बताइएगा भाई कैसा लगा आपको, कौन सी टीम ज्यादा बेहतर लगी है, अच्छी है, बुरी है, माड़ी है, जैसी भी है, कौन सी बेहतर है। जी भाई, आप आ जाइए, रोहित शर्मा ने क्या बोला जल्दी से बता दीजिए। देखिए रोहित शर्मा बड़ा सेंटिमेंटल इमोशनल लगा, इसी के साथ आप शामी को भी जोड़ दें कि हमने ड्रेसिंग रूम में जब हम गए हारने के बाद कोई बात नहीं कर रहा था, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था, ऑल ऑफ अ सडन PM मोदी साहब केम इन एंड हिज मोटिवेशनल स्पीक डजन। राहुल रोहित कहता है बहुत वो कहता है मैंने तो एक ही सपना देखा था जब से मैं बड़ा हो रहा था और वो था 50 ओवर का वर्ल्ड कप। कहता है मेरा तो यही सपना था कि मैं 50 ओवर और वी वर सो क्लोज। कहता है पहले तो अभी तक कहता है यकीन ही नहीं आ रहा कि कैसे अपने आप को पिक करें, और कहता है मैं शुक्रगुजार हूं तमाम टीम का, तमाम फैंस का कि उन्होंने निस्तर नहीं बरसाए, उन्होंने जहर आलूद जुमले नहीं कसे, और इट वॉज सरप्राइजिंगली बेटर टू फील लाइक दैट कि दे वर ऑल बकिंग मी अप गुड मैसेजेस एंड इट ड्रॉ मी बैक। कहता मैं फैमिली के साथ गया, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, हमने अपना पूरा दिया और अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, दर्द कम नहीं हो रहा, एक महीना होने वाला है, लेकिन यह है कि हम अपने आप को फिर संभालेंगे, फिर ट्राई करेंगे। देखिए ही वॉज टॉकिंग सेंस वंस, नंबर टू उसकी बातें सीधा दिल में उतर रही थी, यानी अगर कोई कठोर हो, पत्थर दिल हो। देखिए रिजवान, हमारी टीम हारती है हम बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये नहीं कहते इनको मार दो, जला दो, उड़ा दो, गिरा दो, इनकी बहन की, इनकी माँ की, इनकी बेटी की, इनकी फलाने की, नेवर। नंबर टू हम कहते कोई बात नहीं यार, दो तीन दिन हमें भी गुस्सा चढ़ा रहता है, फिर हम भी नॉर्मली रिलैक्स। ये बड़ी अच्छी बात की रोहित शर्मा ने कि लोगों ने जख्मों पे नमक नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली, मतलब पीपल वर अंडरस्टैंडिंग के कितना, और इसीलिए उसने शुक्रिया भी बहुत ज्यादा अदा किया। आपको हमको जितना गुस्सा आता है, आखिर प्लेयर भी तो इंसान है ना यार, उनका देखे जो लड़ रहा है, हम तो नहीं लड़ रहे, जो ऑनेस्ट बात है, अगर मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूं, मैं और आप तो नहीं मैदान में उतरेंगे ना, मैदान में तो बाबर और ये शान मसूद वगैरह उतरेंगे, रोहित और विराट वगैरह उतरेंगे। अगर हमें इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी वो हम अपना संतुलन खो रहे हैं, तो सोचें जिन्होंने इतना करीब ले जाके, उनका क्या, उन पर क्या गुजरी होगी, आखिर वो भी ह्यूमन इंसान है। बिल्कुल सही बात है, और हमने ये बात कई दफा की हुई है कि जो प्लेयर्स हैं उनका बड़ा मतलब
बहुत दिनों तक उनके जहनों में वही गर्दिश करती रहती हैं बातें। तो रोहित शर्मा बहुत अच्छा, उसका अपना वर्ल्ड कप जाती भी गया, एज अ कैप्टन भी बड़ा शानदार गया, एज अ टीम लीडर भी बड़ा बेहतरीन, टीम ने भी बड़ा अच्छा किया, सारे मैच ही जीत रहे थे सिवाय उस आखिरी के जो कि मोस्ट वाइटल मैच था। मोस्ट वाइटल मैच में जरा गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो उसमें जाके जरा थोड़े से प्रॉब्लम हो गए, वरना थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अच्छा ही रहा इनका, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा और बेहतरीन खेले। तो उस वीडियो देखी मैंने, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, 4-5 मिनट की वीडियो है, और 4-5 मिनट की वीडियो में ही वाज 4 मिनट 11 सेकंड। हाँ, तो वही बातें बोली हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड एज अ फैन, अगर हमारी टीम अच्छा नहीं करती तो हमें इतना बुरा लगता है, लेकिन जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। तो खैर, लाइफ गोज ऑन और सिलसिला आगे चलता रहता है, बढ़ता रहता है, तो आई होप के आगे अच्छा करे। अभी साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है काफी टफ है, खास करके जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें तो काफी इंटरेस्ट रहेगा, और ओडीआई टी20 में शायद कि इतना नहीं एट द मोमेंट, लेकिन टेस्ट में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। तो बेस्ट विशेस फॉर हिम, और क्या उसमें जाके अच्छा करे। बाकी टेस्ट क्रिकेट से हम बात कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में भाई फिर कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच 3 मैच की सीरीज का खेला जाएगा पर्थ में। दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 रिवील कर दी है, और यहाँ पे इंग्लैंड के 2:30 बजे रात मैच शुरू होगा, और पाकिस्तान के 7:20 में। अच्छा, 7:20 है तो फिर 20 ही होगा इधर भी, इधर भी 2:20 ही होगा फिर भाई, ये जाहिर है अगर उधर वो है तो इधर भी 2:20 ही है। ठीक है, ये 20 अलावा से क्या चक्कर है भाई, कोई आधा घंटा कोई, ये मुझे भी नहीं समझ आई कि पहली दफा ये देखा है मैंने भी, एंड आई वाज बिट सरप्राइज। 7:20 AM है पाकिस्तान में, और ऑस्ट्रेलिया में आपको और इंग्लैंड में आपको पता होगा 9 बजे है इंडिया की लड़कियों का पहला टेस्ट, पाकिस्तानी 9 इंडिया के 9:30, एक ही टेस्ट है इंडिया और इंग्लैंड का, और ये डीवाई पाटिल ये भी मुंबई में ही स्टेडियम है। हाँ जी, तो लेट्स सी क्या करते हैं हमारे शहजादे, और इन्होंने 14 मैच मुसलसल हारे, अब देखो 15वें में कुछ हटके कुछ कर दे फॉर अ चेंज, वरना तो बड़े कंसिस्टेंट चल रहे हैं माशाल्लाह, तो ये कंसिस्टेंसी हमें पसंद नहीं है क्योंकि 14 मैच मुसलसल हारे हुए, सो दे नीड टू डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, और हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट ला के दें ताकि हम जरा थोड़े खुश हो जाए, वरना हमें भी बहुत उदासी छाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया वाले हमें बहुत मारते हैं, तो वहां जाके कुछ थोड़ा सा एक आधा काउंटर पंच भी कोई मारे। तो टीमें रिवील हो चुकी हैं, हमने उससे पहले सुबह की वीडियो में डिस्कस की है दोनों टीमें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था वो वीडियो देख सकते हैं, और पाकिस्तान और उसी वीडियो में बताया अर्जुन के अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी को जो है नॉमिनेट किया गया। हाँ जी, तो चले फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और जब ये मैच में लंच ब्रेक होगी तब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जब ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला तकरीबन 9:30 बजे पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तान के 9:20 पे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाइव, तो आप हमें तब ज्वाइन करिएगा, तब तक का जो भी सूरत होगी उस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। लाइव आने का शुक्रिया, ज्वाइन करने का शुक्रिया, जो भी डिस्कशन रही है उससे रेलिवेंट लाइक और सब्सक्राइब करके भी शुक्रिया का मौका दें। हाँ वो भी करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे चलते चलते, टेक केयर, बाय बाय।